दोनों प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। ओके, ये इंसर्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम है और ये हमारा बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम है। ओके, इसका प्रोसीजर हमने डिस्कस कर ही लिया था, उससे रिलेटेड वीडियो भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखो, आप पहले तो डिफरेंस नोटिस करना बच्चों के, फर्स्ट डिफरेंस कहाँ पर है। फर्स्ट डिफरेंस है इसमें यहाँ पर। ओके, जो फर्स्ट लूप है वो इसमें वन से स्टार्ट हो रहा है, और जो बबल सॉर्टिंग था, बबल सॉर्टिंग में हमारा जो ये फर्स्ट लूप आउटर लूप था, ये कितने से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से। ओके, क्योंकि इसमें पेयरिंग बना के चल रहा था ये, और जो पेयर इसने बनाना स्टार्ट किया था बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, जीरो वन का, वन टू का, टू थ्री का, इस हिसाब से पेयर बनाए थे। लेकिन जब इसमें ये कंपेरिजन करता है, ये क्या करता है, जो आपकी लिस्ट है ना उसको पहले शॉर्ट कर लेता है। जैसे आपकी ये लिस्ट है, इसमें छह एलिमेंट है, ये इस लिस्ट को शॉर्ट कर लेगा और इसको दो में ही कंसीडर करके चलेगा। जैसे सिर्फ दो ही एलिमेंट है तो ये सेकंड से स्टार्ट करेगा, क्या ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, इसको यहाँ से सॉर्ट कर देगा। तो फर्स्ट वाले से ये लूप इसलिए स्टार्ट होता है, जीरो से नहीं स्टार्ट होता। फिर ये लिस्ट को सिक्स से शॉर्ट करके थ्री एलिमेंट इसमें रख लेगा। ओके, फिर ये कंपेयर करेगा, क्या ये तीन सॉर्टेड है, अगर जिस हिसाब से फिर इसकी प्रोसेसिंग चलेगी उस हिसाब से ये आगे आगे इसको सॉर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटर लूप है बच्चों वन से स्टार्ट होता है, और इसका आउटर लूप जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है इसमें फर्स्ट डिफरेंस। फिर सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड डिफरेंस है इसमें इसने ये एक वेरिएबल ले लिया। ओके, की वेरिएबल ले लिया। की वेरिएबल क्यों लिया, जो वैल्यू इसको लगती है, जैसे ये चार एलिमेंट है, इसको लगता है ये जो फोर है ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए कि कौन सी लोकेशन पे जाएगी। ठीक है, तो लोकेशन के लिए इसने वेरिएबल ले लिया। अच्छा, फिर अंदर वाला जो लूप है इसका वाइल लूप है, इसमें हमारा था फोर लूप। ओके, इसका वाइल लूप है, तो ये जरूरी नहीं है वाइल ही लो, इसकी जगह फोर भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को नीड हो तो मैं इसको बाद में फोर में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, यहाँ कंपैरिजन जो होता है वो किस में कंपैरिजन होता है, ग्रेटर में। ठीक है, कि अगर दो में से कोई ग्रेटर है तो स्वाइप हो जाए, यहाँ पे ये स्वाइपिंग कर देता है। लेकिन इसमें स्वाइपिंग नहीं करता बच्चों, इसमें ये क्या करता है, इंसर्शन करता है, ये इसका नेक्स्ट डिफरेंस है। ओके, चलो इसको डिबगिंग से स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ हमें क्लियर भी होता जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको, F5 प्रेस की। स्टार्टिंग में सिंपल हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, ये स्टेप चला। ओके, जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट हो गई A। ओके, फिर इसने L वेरिएबल के अंदर इसकी लेंथ ले ली। ओके, लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी सिक्स आ जाएगी, L वेरिएबल ले लिया यहाँ पे देखो। ओके, और उसकी लेंथ आ गई सिक्स। नेक्स्ट है फॉर I इन रेंज 1 to L। ओके, L कितना है बच्चों, लेंथ ऑफ A, मतलब 6। ओके, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 चलेगा। हम साथ के साथ वैल्यू ले लेते हैं, आप भी बताना क्या क्या वैल्यूज इसके एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे ले लिया हमने I, और नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा J। ओके, नेक्स्ट वैल्यू जो इसने दी लिखी है वो लिखी है A, यहाँ लिख लेते हैं A जे प्लस वन, एक ये इसने वैल्यू ली है। ओके, और तो इसने कोई खास वैल्यू नहीं ली है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वन। अपनी अपनी नोटबुक में ये तीनों वेरिएबल्स लिख लो बच्चों। ओके, साथ के साथ प्रोसेसिंग चलाते जाना तो थोड़ा सा हमारा जल्दी ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। आई की वैल्यू लिख लो यहाँ पे वन। ओके, बीच बीच में मैं पूछूंगी भी कितने पे वैल्यू जा रही है। फिर ये अंदर आया, इसने ए के अंदर क्या स्टोर कर लिया, ए आई, ए आई मतलब फाइव।
ये स्टोर कर लिया इसने, ये देखो यहाँ देखो की वेरिएबल के अंदर इसने क्या स्टोर कर लिया बच्चों, 5। ओके अब जे जे इसने किससे स्टार्ट किया बच्चों, आई माइनस वन से, है ना। जे इसने किससे स्टार्ट किया, आई माइनस वन से। हम यहाँ पे अगर फोर लूप लिख देते ना तो लिखते फोर जे इन रेंज, ओके, और फिर वहां लिख देते आई माइनस वन। दो कंडीशंस है, थोड़ा जे में ठीक नहीं लगती है तो इसलिए इसने वाइल लूप ले लिया। ओके जे इसने स्टार्ट कितने से किया, आई माइनस वन से, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, कौन बताएगा जे की वैल्यू कितनी हो गई दीक्षा? 0। 0, वेरी गुड। वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, तो 0 के इक्वल हो या 0 से ज्यादा हो जे की वैल्यू, ठीक है, ये तभी एग्जीक्यूट करेगा। ये माइनस वन पे भी आएगी, जो जे की वैल्यू है वो माइनस वन पे भी आएगी, तो ये व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इससे कंडीशन क्या चेक की, की ए जे, ओके, जो की वैल्यू में क्या थी, 1 की वैल्यू 5 था, है ना। ये कंपेयर करेगा, 5 इज लेस देन कौन सी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, किया इसने कंपेयर, 5 इज लेस देन 6, कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, ओके, तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा। अभी इसने सिर्फ फर्स्ट टू एलिमेंट्स को लिया है, इन टू एलिमेंट्स को लिया है, ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स को इसने लिया, इसने कंपेयर करा कि 5 जो है वो 6 से कम है, यस, तो उस केस में ये क्या करेगा, स्टेप, इसने क्या किया यहाँ पे, ए जे प्लस वन, ए जे प्लस वन मतलब जे की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ए वन किसके इक्वल टू हो जाए, ए जे के, ए वन मीन्स ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 6 के, ओके, तो 5 की जगह पे इसने क्या स्वाइप कर दिया यहाँ पे, 6, ये देखो यहाँ पे वैल्यू देखना आप, नोटिस करना, दोनों वैल्यू 6 6 हो चुके, ओके, और फिर इसने क्या कर दिया, जे इक्वल्स टू जे माइनस वन, जे को क्या कर दिया इसने, जे माइनस वन कर दिया, मतलब जे के अंदर अब क्या चला गया, जे के अंदर क्या था बच्चों, 0 था, तो जैसे ही अंदर इसने जे माइनस वन किया वैसे ही क्या हो गया यहाँ पे, जे के अंदर क्या चला गया, माइनस वन चला गया, तो फिर एल्स वाला पार्ट आप लोगों को पता ही है, एल्स वाला पार्ट इसका चलेगा ही चलेगा, जैसे ये लूप एंड हो जाएगा वैसे ही एल्स वाला पार्ट चलेगा। ऊपर गया, इसने कंडीशन चेक करी, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर नहीं आया, इसने एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। जे प्लस वन के अंदर क्या स्टोर कर दिया बच्चों, इसने की वैल्यू, ओके, अब समझ आया इसने की वैल्यू को यहाँ पे क्यों स्टोर किया है, ओके, की वैल्यू को किस लिए स्टोर किया है, ताकि जब ये यहाँ पे देखो 6 6 हो गए थे ना, तो जो 5 वैल्यू है हमारी वो तो कहीं चली गई, जो सेकंड नंबर पे इसने वैल्यू थी वो तो चली गई, ओके, तो उस केस में ये सेकंड, हाँ सेकंड नंबर पे, तो उस केस में इसने क्या किया, J प्लस वन कितना है, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू की कर दिया, ये देखो, ओके, तो ये कितना हो गया, 5 6 4 3 2 1, तो हमारे सिर्फ दो एलिमेंट्स, इसने शॉर्ट कर दिया था लिस्ट को, सिर्फ दो एलिमेंट की लिस्ट को इसने एज्यूम करा और इसको पहले इसने सॉर्ट कर दिया, लिस्ट को शॉर्ट करके इसने सॉर्ट कर दिया, ओके। अब ये नेक्स्ट टाइम लूप चला, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 से स्टार्ट हुई थी, नाउ दिस टाइम वैल्यू ऑफ आई विल बी कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू, चेतना आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी मैम, 2 हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये देखो 2 हो गई, ओके, फिर से वही प्रोसेसिंग स्टार्ट की, इसने क्या किया, ए आई स्टोर किया की में, ओके, जिसको उठा के इसको आगे शिफ्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, इसने की के अंदर क्या वैल्यू ले ली, 4, ये वाली वैल्यू इसने ले ली, ठीक है, तो यही वाली वैल्यू उठ के इंसर्ट होगी, तो इसने की के अंदर ये स्टोर कर लिया। और जे, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई माइनस वन से स्टार्ट होगा, आई के अंदर कितना था पहले, 1 था,
अब आई के अंदर कितना है, टू, तो जे कितने से स्टार्ट हो जाएगा, जे हो जाएगा हमारा स्टार्ट वन से, ओके। वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे की वैल्यू कितनी है वन, तो जे ग्रेटर देन है, एंड की लेस देन किससे लेस है, ए जे से, ठीक है। ए जे मीन्स जे के अंदर कितना है, ए जे के अंदर कितना है हमारी वैल्यू, फाइव है ना। ए जे, जे की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे वन, तो ए जे के अंदर वैल्यू कितनी है वन, तो की, कीम के अंदर कौन सी वैल्यू थी स्टोर्ड, फोर, फोर किससे लेस है, ए जे से, मतलब फाइव से, इससे लेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन अंदर आएगी, ओके। इसने फोर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ये देखो सिक्स को कहाँ शिफ्ट, हमारी लिस्ट ये हो गई थी फाइव सिक्स फोर थ्री टू वन, ये क्या कर रहा है बच्चों, जो नंबर इसको इंसर्ट करना ना उसको पहले इसने पिक कर लिया, किसमें, की में, ओके। और फिर ये क्या कर रहा है, बाकी लिस्ट को पीछे पीछे शिफ्ट करेगा। अभी इसने सिक्स लिखा है ना, थर्ड वाली लोकेशन पे क्या किया इसने, सिक्स लिखा। अब ये सेकंड वाली लोकेशन पे क्या करेगा, फाइव लिखेगा, और उसके बाद फर्स्ट लोकेशन पे ये फोर को इंसर्ट कर देगा, ओके। ये देखो फिर से अंदर आया, ओके, फाइव इंसर्ट कर दिया यहाँ पे सेकंड लोकेशन पे, और फिर ये ऊपर गया। अब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसने फोर को क्या करा, फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, गॉट इट। अच्छा फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ लूप फिर से आया। अभी इसने ये तीन एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, फर्स्ट थ्री एलिमेंट जो है इसके सॉर्टेड है। अब ये क्या क्या करेगा बच्चों, ये इस एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है, इस एलिमेंट को कंपेयर करेगा। पहले तो इसने इस एलिमेंट को उठा के सेफ रख लिया की वेरिएबल के अंदर, ठीक है, थ्री को की वेरिएबल में पुट कर देगा ये। अब फिर क्या करेगा, ये जो सिक्स है उसको थ्री की जगह लिख देगा, फाइव है उसको सिक्स की जगह लिख देगा, और फोर जो है उसको फाइव की जगह लिख देगा, और जो लास्ट में जब लूप एंड हो जाएगा तो इसका जो भी इंडेक्स नंबर है, जीरो होगा इंडेक्स नंबर, तो वहां पर ये क्या कर देगा, थ्री को इंसर्ट कर देगा, ओके। जब ये लूप से बाहर आता है इंडेक्स नंबर जीरो नहीं, माइनस वन हो जाता है। अभी तक के सारे केसेस में हमारा माइनस वन हो रहा है, क्यों हो रहा है माइनस वन, क्योंकि ये जो लिस्ट है यहाँ पर हमारा हर एक एलिमेंट सॉर्ट होने के लिए है। अब अगली एक लिस्ट हम एग्जाम्पल लेके कर लेंगे तो उसमें कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे भी कर लेंगे जो ऑलरेडी अपनी ठीक लोकेशन पे होंगे, ठीक है। इसमें तो सारे ही एलिमेंट्स इसको इंसर्ट करने पड़ रहे हैं। स्टेप करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, थ्री हो गई। उसके बाद की के अंदर इसने सेफली उठा लिया, थ्री को उठाया इसने की के अंदर। फिर जे इक्वल्स टू आई माइनस वन, ओके। जे कहाँ से स्टार्ट हो गया, जे स्टार्ट हो गया टू से। फिर वाइल जे लेस देन, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ओके। फिर ये क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे इसने थ्री पिक किया है, मान लो यहाँ पे अगर सेवन होता, अगर यहाँ पे सेवन होता बच्चों, तो ये वाली कंडीशन क्या होती, ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होती, है ना। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में ये लूप के अंदर आता ही नहीं, गॉट इट। अभी तो ये आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू सारी इसी हिसाब से, जे ये इसने फिर से वही प्रोसेस चलाया, इसने इसकी लिस्ट को जो है पीछे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे इसकी सही लोकेशन मिली वहां पे इसने थ्री को इंसर्ट कर दिया, ओके। ये देखो ये थ्री इंसर्ट हो गया। अभी फर्स्ट फोर एलिमेंट हमारे सॉर्टेड है, जो इंसर्शन केस है उसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन सी साइड से सॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट साइड से, ओके। और जो ये वाला है इसमें कौन सी साइड से होते हैं बच्चों, राइट साइड से। अच्छा फिर से इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, की के अंदर इसने कौन सी वैल्यू उठा ली, टू को उठा लिया, सेम वही प्रोसीजर चलेगा। अभी फिर से ये सिक्स को पीछे शिफ्ट करेगा, फाइव को करेगा, फोर को करेगा, थ्री को करेगा, और जैसे ही थ्री शिफ्ट हो गया इसकी एग्जैक्ट इसको लोकेशन पता चल गई, और टू को ये फर्स्ट लोकेशन पे ले आया, ओके। लास्ट टाइम लूप चलेगा, ये देखो
इसने उठा ली जो स्मॉल वाली वैल्यू थी, वो सॉर्टेड नहीं थी, तो अंदर आएगा ये चेक कर रहा है क्या ये लिस्ट सॉर्टेड है। वन जो है उसको कंपेयर कर रहा है ये किससे, सिक्स से, ठीक है, सिक्स से कंपेयर कर रहा है। तो इसको अगर वन सिक्स से मान लो बड़ा होता तो इट मीन्स के लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ओके। लेकिन जो वन है वो सिक्स से हमारा स्मॉल है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में वो अंदर आएगा, स्टेप करेगा अंदर अंदर। ठीक है, आइटम्स पीछे शिफ्ट होते जा रहे, और इसने अब क्या किया, वन को इंसर्ट कर दिया जीरो लोकेशन पे, और यहाँ पे लूप ओवरराइड, ये इसने फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट चला दी थी इसने, तो उसके बाद ये इतने सारे वेरिएबल्स है ना, ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट के आ गए। ठीक है, जो हमारे पुराने वाले वेरिएबल्स थे वो गए, वो चले गए। ठीक है, तो ये देखो ये हमारी लिस्ट है, गॉट इट, इसको वैसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं बिना डिबगर के। ये देखो 1 2 3 4 5 6, आया समझ में? ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ये एग्जाम्पल कौन से केस का, जब के सारे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि कुछ एक असेंडिंग कर लेते हैं, कुछ एक डिसेंडिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं 7, ओके, और यहाँ लिख लेते हैं 8 2 10, ओके। तो इसमें कुछ एक एलिमेंट्स जब हम इस लिस्ट को देखेंगे ना, तो देखो ये 6 5 ये सॉर्ट होगा, और उसके बाद 6 5 सॉर्ट हो गया 5 6 7, तो ये देखो 5 6 7 चलेगा तो सॉर्टिंग की नीड नहीं है, 8 चलेगा तो सॉर्टिंग की नीड नहीं है, ओके। फिर 2 चलेगा तो हमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद लिस्ट आ जाएगी 2 5 6 7 8, और उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट चलेगा तो भी हमें सॉर्टिंग की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि ये कितने टाइम इसके व्हाइल लूप के अंदर गया। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर जाने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये सॉर्टिंग कर रहा है। ठीक है, इसने इंसर्शन किया, अगर व्हाइल लूप में नहीं जा रहा है इसका मीनिंग क्या है कि ये इंसर्शन कर ही नहीं रहा। ओके, तो इसको हम अगर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा फास्टली चलेंगे, रन रन मॉड्यूल, ओके। ठीक है, स्टेप फर्स्ट टाइम लूप में आया, ये फॉर लूप में आया। ठीक है, व्हाइल लूप में भी आएगा, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टू एलिमेंट है वो सॉर्टेड नहीं है। अब देखो फर्स्ट टू एलिमेंट्स को इसने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद ये आया यहाँ पर। अब देखो जो नेक्स्ट एलिमेंट, जब हमारी लिस्ट अब चेंज हो गई है, क्या हो गई है, 5 6 7 3 एलिमेंट ये लेगा, लेकिन इसमें सॉर्टिंग की नीड नहीं है तो ये व्हाइल लूप में नहीं जाएगा। ये देखो व्हाइल लूप में नहीं जाएगा, ये नहीं गया ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट राउंड चला तो 5 6 7 के बाद अब 8, ये 4 एलिमेंट में भी सॉर्टिंग की नीड नहीं है, ओके, तो ये व्हाइल लूप में जाएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद अब लिस्ट होगी हमारी 5 6 7 8 2, ओके। तो जब 2 लिस्ट हो गई बच्चों, तो इस केस में क्या है, आप इसमें सॉर्टिंग की नीड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट को पिक कर लेगा, एक की वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, और फिर क्या करेगा, ये 8 को पीछे शिफ्ट, 7 को पीछे शिफ्ट, 6 को पीछे और 5 को पीछे, इस हिसाब से लेके जाएगा, और 2 को फिर ये ला देगा जे की लोकेशन पे, ओके, जे प्लस 1 की लोकेशन पे। ये देखो अंदर गया, कितनी शिफ्टिंग करेगा, ये 4 शिफ्टिंग करेगा, है ना, 5 6 7 8, 4 शिफ्टिंग करेगा, 1 2 3 4, ओके, हो गई 4 शिफ्टिंग, और फिफ्थ नंबर पे इसने क्या किया, 2 को उसके सही प्लेस पे इंसर्ट कर दिया। अब हमारी ये लिस्ट इस हिसाब से है, 2 5 6 7 8 10, ओके, तो इसमें हमें नीड ही नहीं है सॉर्टिंग की,
ये ऑलरेडी हमारी सॉर्टेड है, लूप ओवर, फोर लूप पे गया। ओके आई हमारा चलना कितने तक था, एल तक, एल मतलब 60 की लेंथ, तो 5 तक चलना था। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 5, जैसे ही ये फोर लूप को एग्जीक्यूट करेगा आई की वैल्यू हो गई 6, 5 होते ही ये एग्जिट हो जाएगा। ओके जैसे ये नेक्स्ट वैल्यू इसको कितनी करनी है 6, वहां कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी तो वहां से ये एग्जिट हो। ओके अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये फिर प्रिंट स्टेटमेंट दे देगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके अच्छा मैंने इसको बंद कर दिया था बीच में बाय मिस्टेक। ओके तो ये प्रिंट इस हिसाब से ये यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गया। ओके तो देखो बच्चों जब हम ये सॉर्टिंग सीखते हैं ना, सॉर्टिंग को माइंड में बिठाना ना सबसे मुश्किल होता है, जब समझते हैं तो प्रोसेसिंग आ जाती है अच्छा इसमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब इसको करने बैठते हैं ना तो क्या होता है हम सारा सब कुछ भूल जाते हैं। ओके कई चीजें होती है बच्चों जो आप समझ लेते हो ना तो फिर वो आपको याद रह जाती है कई चीजें, लेकिन ऐसी क्या होती है जब आप उसको याद कर लेते हो ना तो उसके बाद वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है तो जो सॉर्टिंग है बच्चों 2-3 कमांड्स है इसके अंदर, तो 2-3 कमांड्स आपको पहले याद कर लेंगे, ये सॉर्टिंग को समझने का तरीका है। जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कार चलाना सीखते हैं, तो जब कार चलाना सीखते हैं तो क्या होता है हम पहले गियर्स को याद करते हैं। ओके कि ऐसे फर्स्ट गियर लगेगा, फिर ऐसे करके सेकंड गियर लगेगा, फिर ऐसे करके थर्ड गियर, पहले हम क्या करते हैं अपने माइंड में वो जो गियर की लोकेशन है ना कि रिवर्स लेके जाना, हम ऐसे रिवर्स गियर लगाए, तो क्या होता है बच्चों उसमें पहले हम याद करते हैं कि जो गियर है गियर का पैटर्न क्या क्या है, तो जब गियर का पैटर्न याद हो जाता है तो उसके बाद हम उसको चलाना सीखते हैं। ठीक है तो सेम इसमें होगा स्टूडेंट्स, जब आप इसको करने जाओगे तो माइंड से ये सारी चीजें निकल जाती कैसे प्रोसेसिंग होगी, तो अगर आप पहले इसकी कंडीशंस याद कर लो, ठीक है कंडीशंस याद करने के बाद क्या होगा कि आपको इसको एग्जीक्यूट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है और जैसे ही आपको इसकी ये जो स्टेटमेंट्स है कि कितने से कितने तक लूप चलेगा, ये स्टेटमेंट अगर आपने लर्न कर ली ना, उसके बाद जब आप प्रोसेसिंग करोगे ना 2-3 बारी प्रोसेसिंग करके देखना, 2-3 ऐसे डमी लिस्ट लेके, तो आपको ये सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके बच्चों सॉर्टिंग 2 ही है हमारे सिलेबस में, तो दोनों हमारी ओवर हो गई है, ये 1 से स्टार्ट होगा और ये वाला जो लूप है ये कितने से स्टार्ट होगा 0 से। ओके जो बबल सॉर्टिंग है 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट डिफरेंस ये है। ओके नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चों के इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर आपको 4 के अंदर आते ही ये 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, ये 2 स्टेटमेंट्स क्यों लिखनी है बच्चों के जो की है की के अंदर आप कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हो जिसको के आप कंपेयर करने जा रहे हो, है ना इंसर्शन सॉर्ट में वो सिंगल सिंगल वैल्यू को आप कंपेयर करते हो, एक एक वैल्यू को सॉर्ट करते जाते हो, तो की के अंदर आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है जो कि आपको सॉर्ट करनी है जो आपकी करंट लोकेशन पे है। ठीक है जहां से सॉर्टिंग स्टार्ट होगी, करंट लोकेशन नहीं जहां से सॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है और उसके बाद जे के अंदर क्या स्टोर करना है आई माइनस वन, जे हमेशा जो जे है जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है आई माइनस वन, देखो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा ठीक है आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो किसको कंपेयर करेंगे हम आई जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। अगर मान लो आप ये 4 वैल्यूज लेके चलते हो, आपकी करंट वैल्यू है ये आई आपका यहां से स्टार्ट हुआ, तो जे कहां से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, यहां से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे। ओके कि आपने इसको 7 से कंपेयर किया, इज इट सॉर्टेड, अगर सॉर्टेड है तो आप यहीं से एग्जिट कर जाओगे, अगर सॉर्टेड नहीं है तो उसके बाद आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो इसमें जे की वैल्यू जो है करंट लोकेशन से स्टार्ट होके पीछे पीछे जाएगी। ठीक है ये देखो आप क्या कर रहे हो जे को जे माइनस वन कर रहे हो,
तो जे की वैल्यू जो है वो आप 8 को पहले आपने इससे कंपेयर किया, फिर अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप और पीछे वाली, जहां तक आपकी ये क्या होगी, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, जहां तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी वहां तक आप इसको पीछे पीछे कंपेयर करते जाओगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही आपका जो इंसर्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चीज याद रखनी है बच्चों, ये व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की कंडीशंस याद रखनी है, और बस ये दो स्टेटमेंट। ये तो इंसर्शन, जैसे आपने पहले स्वैपिंग कर लिया था ना कि स्वैपिंग करते कैसे है, पहले आपने ये कर लिया था, तो वैसे ही ये इंसर्शन आप कर लेना कि इंसर्शन करते कैसे, तो उसके बाद ये आपको बार बार याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, और एल्स में तो ये सिंपल लिखना ही है। एल्स में क्यों लिखना है ये जे प्लस वन इक्वल्स टू की, के जो की वैल्यू है, ये बाकी सारी लिस्ट तो हमने पीछे शिफ्ट कर दी, लेकिन जो जिसको कंपेयर करे थे उसको उसकी सही लोकेशन पे लिख देना। जो लास्ट स्टेप होगा आपका वो क्या होगा कि जो आप जिसको कंपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग की लिस्ट से उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे लिख देना। ओके, एनी डाउट? नो मैम। ओके।